हमारे पास यहाँ पे सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग की क्लास में हम लोग राउटर को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। राउटर में हम लोगों ने राउटर के मोड्स के बारे में पढ़ना है। राउटर में कौन कौन से मोड्स होते हैं, इनका नाम नेम वगैरह यहाँ पे देखते हैं, इनके लेबल्स देखते हैं, एज वेल इन्हें यहाँ पे समझते हैं ये यूज़ कहाँ पर होते हैं। जो आप यहाँ पर आ जाए पैकेटेशन में, जो आप यहाँ पर राउटर को एक्सेस करोगे, रियल टाइम राउटर को आप यहाँ पर क्लिक करके एक्सेस नहीं कर सकते। आप यहाँ पे आपको कंसोल लेना पड़ेगा। मैं कोई पीसी यहाँ पे ले लेता हूँ, साथ ही यहाँ पे कंसोल केबल लगा लेते हैं। कंसोल केबल लगती कहाँ पे? कंसोल केबल आपके पास राउटर में कंसोल पोर्ट होगी और पीसी में आपके पास कॉम पोर्ट इसे कहते हैं या RS232 पोर्ट, उसमें आप जाके यहाँ पे केबल को कनेक्ट कर ले और यहाँ से टर्मिनल के थ्रू इन्हें एक्सेस कर सकते हो। डेस्कटॉप में आ जाए टर्मिनल, टर्मिनल हमारे पास विंडोज एक्सपी में आईपर टर्मिनल के नाम से हैं, यहाँ पे पट्टी के नाम से हैं, टेरेटरम है, सिक्योर CRT है, ठीक है। कई टर्मिनल्स आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। रियल टाइम के पास आईपर टर्मिनल के नाम से इन्हें लिखना चाहते हैं तो लिख ले, और साथ ही यहाँ पे थोड़ा फ़ोन बढ़ा देता हूँ, टर्मिनल सॉरी जी जी, और यह पैकेट मिक्सर में सिर्फ टर्मिनल के नाम से, और हम लोग यहाँ पे पट्टी भी यूज़ कर लेते हैं और सिक्योर CRT भी है और क्या टर्म, ठीक है, एंड सो ऑन। और भी यहाँ पे कुछ आपके पास एप्लीकेशंस होंगे, इसके थ्रू आप जाके इन्हें एक्सेस कर सकते हो। कंसोल केबल के थ्रू आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। लिख ली नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ से कुछ टेक्स्ट मुझे यहाँ पे सही नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। पैकेट ऐसे में रियल टाइम में नहीं, यहाँ मेरे पास कुछ कमांड, मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ, एग्जिट कर लेते हैं। जो आप इसे एक्सेस करते हो, इसके कमांड लाइन इंटरफेस एक्सेस करते हो, तो सबसे पहले जो मोड आता है इसे कहते हैं यूज़र एग्जिट मोड, यूज़र एग्जीक्यूशन मोड। क्या कहते हैं इन्हें? यूज़र एग्जीक्यूशन मोड। यहाँ पे क्या है? लिमिटेड टू बेसिक मॉनिटरिंग कमांड्स, कुछ मॉनिटरिंग कमांड्स होते हैं यहाँ पे। आप इन्हें कैसे देख सकते हो? सिर्फ आप यहाँ पे शिफ्ट क्वेश्चन मार्क प्रेस कर ले तो आपके पास एक से लेकर यहाँ पे 99 तक सेशन नंबर टू रिज्यूम, यहाँ पे आपके पास क्या है? ओपन, क्या यहाँ पे टर्मिनल कनेक्शन, ये सेशन आपके पास क्या है? जो जो आपके राउटर से आउट गोइंग ट्रैफिक जा रही है किसी और राउटर तक, ठीक है, किसी और नेटवर्क तक, ये उसी के सेशंस आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आप डिस्प्ले सेशन यहाँ पे कर सकते हो। आप इसी को यहाँ पे डिसेबल करना चाहते हो, लॉग आउट करना चाहते हो, या एग्जिट करना चाहते हो, ठीक है। टेलनेट, SSH कमांड, टर्मिनल इनेबल, तमाम यहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपकी स्टार्टिंग कुछ यहाँ पे मॉनिटरिंग कमांड है, लेकिन ये लिमिटेड है। अगर मैं यहाँ पे इनेबल लिखूँ, सिर्फ EN लिखूँ, EN लिखो, आगे से आप टैब की प्रेस कर लें, क्या कर लें? कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर लें। अब टैब की से क्या होगा? मैं भी अगर आपके पास, मैं से टैब की लिख देता हूँ, टैब की आप यहाँ से प्रेस कर ले। अगर आप से कभी कभार यहाँ पे यहाँ क्या होती है, यहाँ पे स्पेल मिस्टेक होती है आपसे, तो आप सिर्फ शुरू के एक दो करेक्टर यहाँ पे याद रखें, एक दो अल्फाबेट याद रखें, देन टैब की प्रेस कर ले। कोशिश कर ले कि जो जो आपके पास कमांड्स है इन्हें कम्प्लीट सीख ले, बेहतर है। बाज़ अवकात ये होता है कि एग्ज़ाम में, रियल टाइम एग्ज़ाम, सिस्को के एग्ज़ाम में टैब की वहाँ पर काम नहीं करती, बोर्ड से कमांड्स के ऊपर काम नहीं करती। वैसे कुछ वहाँ पे कुछ कामन वहाँ पे कमांड होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, टैप की वहाँ पे काम नहीं करती, उसे आपको रियल टाइम में वहाँ पे टैप करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे EN लिख देता हूँ, टैप की प्रेस कर, इनेबल मेरे पास आ जाएगी, आप इसे एंटर कर लें, ठीक, ये आपके पास है यहाँ पे। अब इसे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही थी, इसको कहते हैं प्रिविलेज मोड। क्या कहते हैं? प्रिविलेज मोड इसे कहते हैं। आप यहाँ पर देखें प्रिविलेज मोड में क्या होगा, प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड, ठीक, एग्जीक्यूट मोड या एग्जिट मोड प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल अदर राउटर्स कमांड्स, सारे कमांड्स यहाँ से, लेकिन ज़्यादातर शो कमांड्स यहाँ पे होते हैं। शो के जितने भी कमांड्स होते हैं वो प्रिविलेज मोड से हम लोग इन्हें एक्सेस करते हैं। यही शो कमांड आप आगे जाके भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके मेथड सीखे। इसके बाद मुझे आना पड़ेगा कहाँ पर, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर, तमाम कमांड के पास है। इसमें से बहुत ज़्यादा कमांड्स है, बाज़ अवकात हम स्टूडेंट्स कहते हैं सर इनमें से हम लोगों ने कुछ कमांड नहीं पढ़े। हम लोग सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग पढ़ रहे हैं,
आपके पास सीसी ने या सिक्योरिटी भी है, सीसी ने यहाँ पे कॉलेब्रेशन भी है, सीसी ने इंडस्ट्रियल भी है, सीसी ने सर्विस प्रोवाइडर भी है, सीसी ने वायरलेस भी है, ठीक है, एंड सो ऑन। आप तमाम चीज़ें आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। सिर्फ राउटिंग स्विचिंग में जितनी ज़्यादा हमारे भी कोशिश होगी उतनी ज़्यादा हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करें शो कमांड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस दे दें। बेस्ट ट्रबल शूटर वही बनेगा जिसको शो कमांड्स की अच्छी नॉलेज हो, वो जाके जो भी ट्रबल है, जो भी मसला है, उसे डायग्नोज कर सके थ्रू शो कमांड्स। अब मुझे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाना है। तमाम कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर होगी। आप सिर्फ यहाँ क्या करें, कॉन्फ़िग टर्मिनल। क्वेश्चन से यहाँ से ये लिख करके आगे से टी प्रेस कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। इसे भी आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर आ सकते हो। ये आपके पास जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी कहाँ पे होगी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर। कमांड्स दैट क्या होगी, इफेक्ट द इंटायर सिस्टम। राउटर के ऊपर जो मेन कमांड यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से होगी। उसके बाद हमारे पास है स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड। स्पेसिफिक आपने को यहाँ पे क्या करी, कॉन्फ़िगरेशन करनी है, किसी इंटरफेस के ऊपर काम करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, किसी इंटरफेस में आना पड़ेगा। समझ लें मेरे पास यहाँ पे इंटरफेस सीरियल 2x0 था मेरे ख्याल से, इंटर कर ले। यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस देना चाहते हैं तो आईपी दे देना यहाँ पे, ठीक है। अब ये मेरे पास इंटरफेस मोड हुआ, क्या हुआ, इंटरफेस मोड। अब अगर मैं इसे यहाँ पे एग्जिट कर लूँ, इस इंटरफेस मोड से बाहर आऊँ, इसमें एक और यहाँ पे इंटरफेस सीरियल 2x0 यहाँ पे डॉट क्वेश्चन मार्क लगा ले, इसे कहते हैं सब इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर किसी और इंटरफेस में जाना, इसे कहते हैं सब इंटरफेस। सब इंटरफेसेस में आ सकते हो, इसे भी काम कर सकते हो, ठीक, इसे भी अलग यहाँ पे काम कर सकते हो। तो मैं इसे वापस एग्जिट कर लेता हूँ। अब शो कमांड्स सिर्फ प्रिविलेज मोड के ऊपर आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे कुछ इंटरफेसेस देखना चाहता हूँ, तो क्या कर लें, मैं यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, मगर ये शो नहीं होगा। जो आप इंटर करोगे तो एरर आएगा आपके पास। इसे यहाँ पे शो करने के लिए आप इसे बाय फोर्स शो कर ले, जस्ट स्टार्ट में डू लिखे। अब अगर ये कर्सर मेरे पास लास्ट में पड़ी है, यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कर ले तो कर्सर स्टार्ट में आ जाएगी। सिर्फ डू टाइप कर ले, स्पेस देकर के इंटर कर ले। डू की कमांड से आप इसे बाय फोर्स यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ डू कमांड। तो यहाँ से आपके पास इंटरफेसेस आ रहे हैं कि मेरे पास इथरनेट के दो इंटरफेस आ रहे हैं यहाँ पे, बल्कि चार आ रहे हैं, दो सीरियल के आ रहे हैं मेरे पास स्मार्ट सीरियल के, ठीक है, इंटरफेसेस। इसके बाद आए मेरे पास यहाँ के सेटअप मोड, इंटरेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स, सेटअप मोड में आ सकते हो। यहाँ पे देखिए इसकी एग्जाम्पल पड़ी हुई, यहाँ पे यूजर एग्जिट मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड और यहाँ पे स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है, किसी इंटरफेस में आप यहाँ पे आए हो। यहाँ के पास क्या राउटर मोड, ये मैं यहाँ पे सब इंटरफेस मोड में आया हूँ। सब इंटरफेस मैंने बताई थी कि इंटरफेस सीरियल जो भी थी 2x0 डॉट डॉट के बाद किसी भी इंटरफेस आप जीरो से लेकर के कितनी थी 4,29,49,67,296 तक इंटरफेसेस अवेलेबल थे आपके पास। अब यहाँ पे देखें उसके बाद क्या है लैन मोड। अगर आप यहाँ पे कंसोल के ऊपर जाना चाहते हो, लैन कंसोल है, ठीक है, लैन VTY है, जाओगे तो आपके पास लैन मोड के ऊपर आएगा। किस तरह से समझे, मैं यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड में लैन कंसोल। अब लैन कंसोल जब आई तो एक ही होगी मेरे पास कंसोल, जीरो इंटर कर लेता हूँ, तो इसको कहते हैं क्या कहते हैं लैन मोड। आपके पास यहाँ आपके पास क्या होगी लैन मोड। हाँ सेम ये चीज़ आप यहाँ पे एग्जिट कर लेना, यहाँ पे लैन VTY 0 to 4। 0 to 4 मीन्स मैं 5 सेशन यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सेशन, आप इसे भी लैन मोड कहा जाता है। अब इसे एग्जिट कर लेता हूँ। अच्छा मैं किसी इंटरफेस भी मौजूद हूँ यहाँ पे 2x0 में। अब इस इंटरफेस से बाहर निकलना हो तो आप सिर्फ एग्जिट टाइप कर ले,
तो कहाँ पे आओगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाओगे। फिर जाके एग्जिट करोगे तो प्रिविलेज मोड में आओगे। अब मैं यू कहना चाह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली यू कहो कि यहाँ पे ऐसे कमांड ऐसे टाइप कर ले कि आप डायरेक्ट प्रिविलेज मोड के ऊपर आए। एग्जिट मीन्स आप स्टेप बाय स्टेप बैकवर्ड जा रहे हैं। मैं एकदम जाके बैक की तरफ जाना चाहता हूँ, प्रिविलेज मोड की तरफ जाना चाहता हूँ, तो आप एग्जिट टाइप ना कर ले, सिर्फ एंड टाइप कर ले। एंड से आप जाके बैक में जा सकते हो, प्रिविलेज मोड में आ सकते हो। ठीक, इसमें अगर मैंने चेक करना है कि सी से मेरे कौन कौन से कमांड मेरे पास आ रहे हैं, सी टाइप करें क्वेश्चन मार रहे, तो आपके पास क्लियर, क्लॉक, कन्फिगर, कनेक्ट, कॉपी आ रही है। अगर मैं यहाँ पे सी एल कर लूँ, क्वेश्चन मार लगा लूँ, तो मेरे पास क्लियर, क्लॉक, कोई ऐसी कमांड जो आपको याद हो, फर्स्ट इनिशियल एक दो करेक्टर याद हो, तो क्वेश्चन मार्क के साथ आप भी नहीं चेक कर सकते हो। तो ये हमारे पास राउटर के कुछ मोड्स थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे फर्दर जाके पढ़ते हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।